गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन शॉर्ट आईओसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इस आईओसी टर्म्स को फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल और पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए यदि हमें समझना है तो इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है प्रोविजंस, मींस रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड पार्ट रहेगा बेटा इसका कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड थर्ड पार्ट आता है रिकॉर्डिंग, दैट मींस आईओसी की जनरल एंट्री क्या होगी और आईओसी को हम लेजर में कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है, फिर रिपीट कर दो बेटा। पहला होगा प्रोविजंस, मतलब रूल्स एप्लीकेबल फॉर आईओसी। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। और तीसरा जो है वो है बेटा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जनरल एंट्रीज की क्या होगी और लेजर में इसको कहां लिखा जाएगा। यस, तो बेटा जैसा मैंने बताया, फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा प्रोविजंस, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ध्यान से देखिए, तीन पार्ट आपको दिखाई देंगे यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड है, ये वाला। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें, दैट मींस फर्स्ट केस क्या कहता है। देयर आर थ्री केस। फर्स्ट केस ये कहता है इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा साइलेंट शब्दों में हम कह दें कि डीड में आईओसी के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। देयर पार्टनर इज साइलेंट, देयर पार्टनरशिप इज साइलेंट अबाउट द प्रोविजन फॉर आईओसी। आईओसी देना है कि नहीं देना है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की डीड में। यह बोलते डीड में स्पष्ट लिखा है कि आईओसी नहीं देना है, तो क्या बोले, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। स्टूडेंट ध्यान रहे, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे बेटा तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आपको आईओसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है या आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दिख रही है कि दे आर डीड इज साइलेंट अबाउट द आईओसी, या वहां यह लिखा हुआ है कि दे आर पार्टनर एग्री टू नॉट चार्ज, नॉट अलाउड, दे आर पार्टनर एग्री टू नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर बेटा हम किसी प्रकार का इंटरेस्ट कैपिटल पर अलाउड नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे, मतलब नो नीड टू एनी कैलकुलेशन। सेकंड केस है बेटा इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड फॉर द आईओसी। ध्यान रहे, बिल्कुल अपोजिट है फर्स्ट केस के। यहां पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है आईओसी को, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि एग्रीड रेट जो भी हो 6, 7, 8, 9, 10 उस रेट से पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट फॉर्म अलाउड करेंगी, अगर पेड करेंगे। बट बेटा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा दैट इंटरेस्ट या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड आईओसी बट मैटर ऑफ ट्रीटमेंट वो ये साइलेंट है इस मैटर से कि दैट इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी एक्टिविटीज योर केस सेकंड, इस केस में क्या करेंगे कि सर आईओसी तो प्रोवाइड किया है, डीड में लिखा है, बट वहां डीड इस बारे में साइलेंट है
कि दैट आईओसी इज प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा या अप्रोप्रिएट होगा। तो इस कंडीशन में क्या प्रोविजंस होंगे? तो बेटा पहला है, यदि फर्म को नेट लॉस होता है, देखिए ध्यान रहिए, डीड ने तो कह दिया आईओसी अलाउड है बट फर्म को यहां पर लॉस हो रहा है बेटा, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। बिकॉज एक बात बोली जाती है कि आईओसी प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 में बहुत स्पष्ट है कि आईओसी ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाएगा। यस बेटा, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा केस, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। पहले केस में लॉस आ गया, कोई आईओसी नहीं देंगे, दूसरे केस में हमारे पास प्रॉफिट है। बिफोर आईओसी अलाउड करने के पहले हमारे पास प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट आईओसी के इक्वल है या अभाव है, तो इन केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। स्टूडेंट्स, यहां आपको आईओसी निकालना पड़ेगा बेटा, फिर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो गिवन है उससे कंपेयर करना पड़ेगा। यदि आपका प्रॉफिट आईओसी के इक्वल है या आपका प्रॉफिट आईओसी से अभाव है, मोर देन है, ज्यादा है, तो फिर आप फुल आईओसी अलाउड कर दोगे, मतलब पार्टनर्स को पेड कर दोगे। यस, थर्ड प्रोविजन, थर्ड केस क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है वो आपके आईओसी से लेस देन है। इफ योर नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज लेस देन योर आईओसी अमाउंट, इस केस में क्या होगा बेटा? ये सबसे महत्वपूर्ण केस है, ये बहुत रेयर दिया होता है, ये कंडीशंस रेयर आती है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो रेयर आएगा बेटा ये कंडीशन। इसमें क्या है? हाँ सर, मेरा जो आईओसी का अमाउंट है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, या मेरा अवेलेबल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर आईओसी, वो आईओसी से कम है, तो बेटा यहां पर आईओसी प्रॉफिट से एक्सटेंड नहीं होगा, मतलब यहां पर जो आपका आईओसी है वो प्रॉफिट से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। दैट मीन्स हियर योर अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ईच पार्टनर, मतलब इस केस में यदि आपका आईओसी आपके प्रॉफिट से ज्यादा है तो आप अवेलेबल प्रॉफिट को, जिसको कि आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कहते हो, उसे ही आप आईओसी के रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ आईओसी में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट कर दोगे, अलॉट कर दोगे, पेड कर दोगे। तो रिमेंबर यर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यहां लॉस है बेटा पहला केस, यहां प्रॉफिट है, प्रॉफिट आईओसी से ज्यादा है दूसरा केस, यहां पर भी प्रॉफिट है बट प्रॉफिट आपका आईओसी से कम है, ये रहा आपका थर्ड केस। तो रिमेंबर, डोंट फॉरवर्ड इट बेटा, यस मैं आपको ज्यादा जोर दे रहा हूं सी केस पर, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखाएगा, नहीं क्वेश्चन डिफरेंशिएट नहीं करेगा बी और सी केस में, क्वेश्चन यहां डिफरेंशिएट कर देगा देयर नेट लॉस इज गिवन बट बी और सी कंडीशन में क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, तो आपका कैलकुलेशन वाले पॉइंट से आपको देखना है, कंपेयर करना है बेटा कि क्या ज्यादा है क्या कम है। यदि प्रॉफिट ज्यादा है तो आप यहां रहोगे, प्रॉफिट यदि आईओसी से कम है तो आप यहां रहोगे, रिमेंबर। ओके, बात समझ में तो आई होगी निश्चित आपको। यस, अब बेटा थर्ड केस, यस केस थर्ड सिंपल, देयर आईओसी गिवन इन द डीड, देयर आईओसी प्रोवाइडेड इन द डीड, आर्टिकल्स में आईओसी अलाउड है बट बेटा व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी, बहुत स्पष्ट लिखा है कि दैट आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स ने जो डीड बनाई है, जो अपना आर्टिकल बनाया है, जो अपना समझौता किया है, अपना संविधान बनाया है, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जिस पर सबने साइन किए, स्टैंप हुआ है, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जहां उनकी ड्यूटीज राइट्स सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, उस कंटेंट में एक भी ये भी है आईओसी, आईओसी के कंटेंट पर उन्होंने कहा है कि ये फॉर्म अलाउड,
पेड का आईओसी, बाकी आगे मैंने कहा है कि दैट आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब यहाँ फर्म ये नहीं देखेगी कि देयर सफिशियंट प्रॉफिट इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल या देयर लॉस इज अराइजेस। वहां क्या है, आईओसी के पहले प्रॉफिट अवेलेबल है या शॉर्ट है या नेट लॉस है, ऐसा आप कुछ नहीं देखोगे, आपको यहां आईओसी देना ही देना है। एंड दैट टाइप ऑफ आईओसी इन दिस केस रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज इन दिस केस इट इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और आप पहले पढ़ चुके हो बेटा कि वो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, इट इज अ मैटर ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड आइटम्स विच इज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन वाले आइटम है वही लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, फिर से बता दो बेटा, हमने पढ़ा प्रोविजन रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीन केस है बेटा, एक दो तीन, दूसरे केस में तीन स्थिति है, यहां विशेष ध्यान रखना, ए बी सी, सी वाले पार्ट में हम विशेष जाओगे। हाँ एक और बात महत्वपूर्ण है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी, तो बेटा पार्टनरशिप डीड में जरूर दिया है कि आईओसी इज अलाउड है, बट वहां पर कुछ न दिया हो तो आप हमेशा केस नंबर सेकंड से सॉल्व करोगे। यस स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा प्रोविजंस रूल्स रिगार्डिंग रिलेटेड टू आईओसी, बेटा वहां बहुत स्पष्ट बताया गया था आपको कि आईओसी का यदि आपको संपूर्ण नॉलेज चाहिए, फॉर्मल नॉलेज चाहिए, तो आपको तीन स्टेप में इसे देखना होगा, पहली प्रोविजंस, दूसरी स्टेप कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे आईओसी का कैलकुलेशन होगा, और थर्ड बेटा रिकॉर्डिंग। तो फर्स्ट लेक्चर में प्रोविजंस हुआ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। बेटा इंटरेस्ट बहुत पहले से ही आपको कैलकुलेट करना आता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, और आपको ये पता है कि यदि क्लोजिंग कैपिटल है तो हम क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं अलाउड करते हैं, हम लोग ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालते हैं बेटा। मतलब रिमेंबर हियर, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, बट सर ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास है, इट इज गिवन, बट ड्यूरिंग द करंट ईयर वहां पर्टिकुलर किसी पार्टनर ने या पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, या सर हम यह कह रहे हैं कि किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल किया है, तो फिर सर आईओसी हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप है, उस स्टेप के थ्रू आप हमेशा आईओसी निकालिए, उसको लर्न करिए, करिए उसको समझने की कोशिश करिए, आपसे कभी गलती नहीं होगा, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालते आता है पहले से ही, रिमेंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं यदि मैंने एक, यदि यहां पर मैं कैलेंडर ईयर लू और ये कहूं कि 1 जनवरी को मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है 10% इंटरेस्ट अलाउड किया है, अब एंड में क्या कैपिटल है इससे कोई मतलब नहीं है, तो मुझे 10 लाख का 10% इंटरेस्ट अलाउड करेगा, तो यह ओनली ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, देयर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, बट एडिशनल है ड्रॉइंग है तो क्या स्टेप होगी। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, इट इज वेरी सिंपल, बहुत साधारण है, आप ए बी सी डी, बी आपका आंसर होगा बेटा, तो कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा बेटा उसकी स्टेप्स। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल,
ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल तो निकलेगा, कैसे निकलेगा, 12 मंथ का ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाय 100, ये 12 मंथ का निकलेगा बेटा। रुक गया, तो पहली स्टेप हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओपनिंग कैपिटल को ढूंढेंगे, यदि ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो फिर मैं भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, व्हाट स्टेप डू यू टेक व्हेन द स्टूडेंट फॉर द कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। बट ओपनिंग कैपिटल यदि है तो रिमेंबर आपको 12 महीने का इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर निकालना ही है। क्या आपने निकाली है साहब? ये लिखनी तो पहली स्टेप। बी एड इंटरेस्ट ऑन और एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल पर मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूं? बिल्कुल सिंपल, डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल अप टू द ईयर एंडिंग। फिर से कह दूं, डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल अप टू द डेट ऑफ योर अकाउंटिंग ईयर एंडिंग। जिस दिन एडिशनल कैपिटल लगी है बच्चों, उस दिन से लेकर के आपका अकाउंटिंग ईयर किस दिन क्लोज हो रहा है उस दिन तक का ब्याज इस पर जोड़ना है। कैसे? देखिए, अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल डेयर स्टूडेंट इनटू रेट अपॉन 100, ओके, इनटू पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिवाइड बाय 12। ये देखिए वही फार्मूला है, एडिशनल कैपिटल अमाउंट इनटू रेट बाय 100 और ये रहा वो पीरियड मल्टीप्लाई पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अपॉन 12। ये रहा बेटा एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट। सपोज 1st अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख पर यहां निकल जाएगा। 1st अक्टूबर को फर्दर 10 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया है तो यहां पर फिर एडिशनल कैपिटल पर 1st अक्टूबर टू 31st मार्च 6 मंथ का निकल जाएगा बेटा। तो इस टाइप से ये हम निकालेंगे ए और बी, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ए, बी इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, एंड सी लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉवल। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉवल, पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉवल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल जो है उस पर हम यहां पर सब्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लेस करेंगे बेटा सी पार्ट को, तो वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉवल। कैसे निकलेगा सर? अमाउंट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल अप टू द डेट ऑफ ईयर एंडिंग। ये दिखाया मैंने यहां पर, ये रखा बेटा आपका फाइनली डी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस ए प्लस बी माइनस सी। तो स्टूडेंट्स ये मेथड आपको याद होना चाहिए बेटा। सर वहां पर एडिशनल कैपिटल नहीं है, सर वहां पर ड्रॉइंग नहीं है, तो बेटा ठीक है ना, फिर जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर निकाल दे। तो बेटा ध्यान रहे ए, रिमेंबर जैसे मैं रिपीट कर दूं बेटा, ए कंडीशन इज ए जो है ओपनिंग कैपिटल के अंदर निकलेगा 12 मंथ का फॉर फुल ईयर, एंड एडिशनल कैपिटल पर एडिशनल कैपिटल जितना आपने यूटिलाइज किया है फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन डेट से लेकर तो ईयर एंडिंग तक, फिर लेस होगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉवल फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल अप टू द ईयर एंडिंग, ये लेस हो जाएगा, ये रहेगा आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे या करेंट अकाउंट। डोंट फॉरगेट इट, स्टेप हमेशा याद रखिए, सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, सम ध्यान से पढ़िए। ए भी पार्टनर है, यदि ए ने ए की बार कैपिटल लगाया है बिगनिंग ऑफ द ईयर तो कोई बात नहीं यहाँ खत्म हो जाएगा, ताकि बी है ओपनिंग में तो लगाया ही है, एडिशनल और लाया है ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर तो फिर वो भी लगेगा, और यदि उसने कुछ विड्रॉवल किया है तो वो भी होगा। तो बेटा विशेष ध्यान दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब बेटा जैसा मैंने यहां कहा कि इंटरेस्ट जो है ओपनिंग कैपिटल पर एवरी स्टेप में लगेगा, बट इन सम केस इन सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देयर ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, पूरी एकाग्रता से, जब आप प्रश्न को पढ़ोगे क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको दिखाई देगा
कि देयर ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, वहां पर क्लोजिंग कैपिटल दिया गया। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल, ये आपको दिया है। बट ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो बेटा यदि ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं दिया है तो फिर आप सीधे यहां नहीं जाओगे, पहले आप कैपिटल ओपनिंग फाइल करोगे। व्हेन द ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, सो दैट मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल हमें निकालते नहीं आता, बेटा एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको, कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप एक लॉजिक से समझ सकते हो। इट इज वेरी सिंपल, आपने 11 में बहुत सारे क्वेश्चन किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, 100 मोर टाइम आपने बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट में आपकी स्टेप होती थी कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग लेस नेट लॉस। तो बेटा यहां सब करके ये जो कैपिटल आप बाहर लिखते थे अमाउंट के कॉलम में, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। तो यदि आपको इस क्लोजिंग कैपिटल से यहां पहुंचना है तो सिंपल है कि इस क्लोजिंग कैपिटल में हम माइनस वाले जो आपके आइटम है, जो कंटेंट माइनस वाले है वो ऐड कर दिए जाएगा ड्रॉइंग और नेट लॉस, और जो एडिशन वाले कंटेंट है एडिशनल कैपिटल नेट प्रॉफिट, इसको हम सबसे पहले, यानी ये आपको पहले से ही लाना है। यू अटेंड देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन, तो यूज योर माइंड, यूज योर लॉजिक, यूज योर आईक्यू। सिंपल सिंपल बेटा, इट इज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो इट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, तो ये क्लोजिंग है। तो आपको यहां जाना है बेटा ओपनिंग पर, तो यहां ओपनिंग पर आपको आना है यहां से। तो आप क्या कर दीजिए, जो सब्सट्रैक्ट आपने किया है, जो माइनस किया है बेटा कंटेंट, वो माइनस ऐड हो जाएंगे, और जो ऐड वाले कंटेंट है वो आपके माइनस हो जाएंगे, रिवर्स अप्रोच, आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। और इसी अप्रोच से बेटा ये बना हुआ है, जरूरत ही नहीं आपको ये प्रेजेंट कर दीजिए, बट इसी अप्रोच से बेटा। तो इस अप्रोच से हमने इसे बना लिया, एट द क्लोजिंग इज गिवन। तो यहां कैसे आया है, इस टाइप से आया है, तो यहां से आप सीधे यहां पहुंच जाइए, इस लाइंस को रिवर्स कर दीजिए, उसी से बनाया बेटा। अब इट इज रिलेटेड टू योर सोल प्रोप्राइटरशिप, इट इज रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप। तो बेटा पार्टनरशिप में आप ही जानते हो कैपिटल दो टाइप से कैपिटल अकाउंट बनते हैं, इफ द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स और इफ द कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इज गिवन, तो व्हाट विल बी देयर प्रोसेस फॉर द कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान, बिकॉज इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल देयर आर ओनली 4 कंटेंट, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉल। तो यू एडजस्ट देयर ऑल। तो देखिए बेटा कैसे निकलेगा, पहले क्लोजिंग कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड लेस एडिशनल कैपिटल, इट इज योर ओपनिंग कैपिटल। एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एंड ड्रॉइंग एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस एडिशनल कैपिटल, योर ओपनिंग कैपिटल। यस, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी एन एफ, इसका रिवर्स अप्रोच है, इसका रिवर्स अप्रोच है, यहां से यहां पहुंच गया। तो ये रहा बेटा। तो स्टूडेंट्स, पहला हमें प्रोविजंस देखना है, प्रोविजंस में यदि कहा है कि आईओसी कैलकुलेट करना है, जो भी कंडीशन है आप आईओसी कैलकुलेट कर लिए। बट आईओसी कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूर पता होना चाहिए कि आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, और यदि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया है दैट मींस देयर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल गिवन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, दैट मींस एडजस्टमेंट ऑफ योर पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉल, योर नेट प्रॉफिट एंड योर नेट लॉस। तो बेटा आप फिर ओपनिंग कैपिटल पर जाइए और ओपनिंग कैपिटल को निकाल कर फिर आप इस स्टेप से इंटरेस्ट को आईओसी को कैलकुलेट करिए, देन यू आर अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इसमें हम इसके प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, इसको आप वापस एक बार देखिए, 2-4 बार पढ़िए, अटेंड करिए, फिर हम नेक्स्ट इसमें हम आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखाएंगे। ओके।